अरे क्या कर रहे हो, एक ले लो, ले ले लिया, ये तो डालो ना अंदर, डालो दो है आरोपी है ना दो, ये जो नहीं आरोपी तो ज्यादा है, कितने मिल गया ना, जैसे अपने पास टाइम को ना, लेकिन फिर भी जब मौका पर आ जाए तो डेंगू काम तो अपन ने देख लो। स्कूल की लकड़ी है वो, उनके सब कुछ पेपर्स ठीक है, पूरा सब ठीक है, वो उन्होंने हमें जमा करा दिए, टीपी वगैरह सारे इनके पेपर्स सब जायज है। हां तो एक गलत रोक रहे तुमने आज तो 10,000 देते हैं रेस्ट के, कल 3,000 कर लिए थे, दोबारा बोलना है 3,000 कर लिए थे। 18 तारीख को सुबह रामतलाई मैदान में मेरी लकड़ी के कोयले की गाड़ी खाली हो रही थी, उसको इन फॉरेस्ट के गश्ती दल ने पकड़ा। पकड़ते ही उसमें संबंधित दस्तावेज थे, टीपी और संबंधित फर्म का बिल उसमें लगा हुआ था, उसको इन्होंने मैंने दिखा दिए कागज़, तो इन्होंने देख कर और ट्रॉली को तो छोड़ दिया, पर मेरे से काम करने के लिए इन्होंने 10,000 रुपये रिश्वत मांगी ट्रॉली को छोड़ने के लिए, नहीं तो ये पकड़ के ले जा रहे थे। बाद में इन्होंने कल सत्यापन हुआ और आज 10,000 रुपये लिए मेरे से इन्होंने रिश्वत के और ये ट्रिप हो गया था। मेरे से गुड्डू साहिक वनपाल और गोविंद जहांगीड़, इन्होंने रेन साहब का नाम लिया, नवनेंद्र सिंह जी का क्या भाई, नवनेंद्र सिंह जी से हमने इजाज़त ले ली है और उन्होंने काम करने की एवज में 10,000 रुपये पर माह की मंथली के हिसाब से इन्होंने मेरे से पैसा मांगा। परिवादी आए थे हमारे पास, भीम सिंह नाम के व्यक्ति हैं, तो इनसे वनपाल हैं, सहायक वनपाल दो लोग हैं, इन्होंने रिश्वत मांगी, जबकि इनकी टीपी वगैरह सब जायज़ थी, इनके कागजात तहसील में पैसे जमा कराए थे इन्होंने, तो इनका ट्रैक्टर था जो इनके कोयले का ट्रैक्टर आ रहा था बूंदी से कोटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसके सारे पेपर्स इनके पास थे जायज़, फिर भी इनसे 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी। और ये भगवान प्रसाद जहांगीड़ हैं और इनके सहायक हैं एक गुड्डू जी, तो आज के इन दोनों ने ये इनसे 10,000 रुपये रिश्वत राशि वसूल की है, और जो राशि इन्होंने कल दी थी थोड़ी 2,500 रुपये, उसमें से 500 रुपये और आज इन्होंने लिए हैं, कल 3,000 रुपये दिए थे उनमें से 2,500 दे पाए, तो 500 रुपये आज और दिए, इसके अलावा 10,000 रुपये आज और लिए, 10,500 रुपये टोटल वसूल किए हैं इनसे। दो जने हैं ये जहांगीड़ जी और गुड्डू जी, इन दोनों को गिरफ्तार किया है, सहायक वनपाल हैं दोनों ही, और ये वन रावत बाटा रोड पे जो वनपाल चौकी है इसी ऑफिस के सामने इन्होंने बुलाया भीम सिंह को, और यहीं पे इन्होंने रिश्वत की राशि लेकर आए और इनसे वसूल किया। इंटरोगेट करके हम बता पाएंगे, और भी ये लोग बताते हैं कि मैं अपने लिए नहीं औरों के लिए भी ले रहा हूँ, और ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी ले रहा हूँ, तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता पाएंगे।